संप्रदाय के शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ की पावन भूमि गोरख। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का नेपाल से सटा तराई का इलाका है, जिसके उत्तर में महाराजगंज जिला, पूर्व में कुशीनगर जिला और देवरिया जिला, दक्षिण में अंबेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ जिला और पश्चिम में संत कबीर नगर जिला है। गोरखपुर जिला गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। यह जिला उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे पुराने जिले में से एक है। पर्यटक स्थल के बारे में बात की जाए तो शहर गोरखपुर की पहचान 737 हेक्टेयर में फैली रामगढ़ झील से भी है। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस झील के स्थान पर एक प्राचीन नगर था, जो किसी ऋषि के श्राप से ध्वस्त हो गया और वहां ताल बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है। नौका विहार, लाइट और साउंड के कार्यक्रम यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। गोरखनाथ मंदिर। गुरु गोरखनाथ द्वारा स्थापित गोरखपुर मंदिर लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर को उस जगह बनाया गया जहाँ गुरु गोरखनाथ साधना किया करते थे। इस ऐतिहासिक मंदिर पर प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ लाखों की संख्या में भक्त एवं पर्यटन घूमने के लिए आते हैं। गोरखनाथ मंदिर मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है, जो पूरे गोरखपुर के साथ भारत में भी जाना जाता है। कुसमी वन एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल में से एक है। कुसमी वन अपने सागवन के पेड़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं। इस जंगल के भीतर बुढ़िया माता का मंदिर भी है। यहाँ पर लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई भी मन्नत मांगने पर अवश्य पूरी होती है। इस जंगल में एक पार्क एवं चिड़ियाघर भी है, जहाँ रोजाना सुबह एवं शाम पर्यटक की भीड़ देखने को मिलता है। गीता प्रेस। भारत में कई सारे प्रेसों में प्रसिद्ध गीता प्रेस, जो हिंदू ग्रंथों एवं शिक्षाओं को प्रकाशित के लिए जाना जाता है। इस प्रेस को सन 1920 ईस्वी में गोरखपुर शहर के एक छोटे से किराए के 3 मशीन और कुछ मुट्ठी भर लोगों ने स्थापित किया था, और यह आज पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। राजनाथ को पता चलता है कि इसका नामांकन 9वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ के नाम पर गुरु गोरखनाथ रखा गया था, परंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे शासकों की हुकूमत बदलती रही, वैसे वैसे इस ऐतिहासिक जिले का नाम भी बदलता रहा। 16वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में इस जिले का नाम मौजमाबाद पड़ा। औरंगजेब का बेटा मौजमा गोरखपुर के जंगलों में शिकार के लिए आया करता था, उसी के नाम पर इस जिले का नाम मौजमाबाद पड़ा। सन 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस जिले का नाम मौजमाबाद से बदलकर हमेशा के लिए गोरखपुर रख दिया।
प्राचीन काल में गोरखपुर के भौगोलिक क्षेत्र में बस्ती, देवरिया और कुशीनगर जैसे आधुनिक जिले शामिल थे, जिनको सन 1865 ईस्वी में गोरखपुर का विभाजन हुआ तो एक नया जिला बस्ती को बनाया गया तथा दूसरी बार सन 1946 में विभाजित कर देवरिया जिला और तीसरी बार सन 1989 ईस्वी में विभाजित कर कुशीनगर जिला बनाया गया। लगभग 3483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए गोरखपुर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 44 लाख के करीब है। गोरखपुर जिले में 18.78% आबादी शहरों में निवास करती है, जबकि 81.22% आबादी गांव में रहकर अपना जीवन यापन करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से गोरखपुर जिले में 90.28% हिंदू तथा 9.09% मुस्लिम और 0.63% ईसाई तथा 0.52% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। इस जिले का लिंगानुपात 950 के करीब है, यानी 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं हैं। जिले की साक्षरता दर लगभग 77.83% है, इसमें पुरुष की साक्षरता दर 75.2% तथा महिला की साक्षरता दर 66.2% है। यहाँ बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, भोजपुरी, उर्दू एवं अंग्रेजी है। यातायात की बात करें तो यहाँ पर रेल मार्ग, बस मार्ग तथा हवाई मार्ग तीनों की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ का रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशनों में से एक है। विभिन्न नदियों और सुंदर घने वनों से घिरा हुआ यह भूभाग आने वाले समय में इको टूरिज्म की दृष्टि से प्रदेश के नक्शों पर चमकने को तैयार है।